Welcome to CR International Online Classes. Today we are going to discuss about the mineral deficiency diseases. Chapter number 3, जो कि हम revision कर रहे हैं chapter number 3 का, और इसमें हमने vitamins से होने वाले diseases के बारे में इससे पहले वाली videos में पढ़ा था, revision किया था. आज हम जो revision करने जा रहे हैं वो है डिजीजेस कॉज्ड बाय द मिनरल डेफिशिएंसी, यानी कि मिनरल्स की कमी से होने वाली कौन कौन सी डिजीजेस हैं जो हमारे बॉडी के अंदर हो सकती हैं. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले गॉइटर. देखिए, गॉइटर भी एक ऐसी डिजीज है जो कि हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी के कारण हो जाती है. गोइटर इज द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. आयोडीन एक मिनरल है जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में उसकी ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है. लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें एक ऐसी डिजीज हो जाती है जिसका नाम है गोइटर. इन दिस डिजीज, इस डिजीज में थायरॉइड ग्लैंड नियर द नेक रीजन गेट स्वेल्ड. हमारी गर्दन में, हमारे नेक में एक ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है थायरॉइड. तो वो जो थायरॉइड ग्लैंड है वो स्वेल्ड हो जाती है, यानी कि फूल जाती है, मोटी हो जाती है फूल कर. क्योंकि किस कारण होती है वो मोटी, क्यों सूजती है, क्यों स्वेल होती है? आयोडीन की कमी के कारण. और आयोडीन एक मिनरल है. इट इज प्रिवेंटेड बाय द इनटेक ऑफ आयोडाइड सॉल्ट एंड सी फूड. तो हमें गोइटर से बचने के लिए या गोइटर को रोकने के लिए आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए. सॉल्ट यानी नमक. सॉल्ट जो आप घर में खाते हैं ना, हम सब्जी के अंदर डाल के, वही जो हम खाने में सॉल्ट डालते हैं, वो नमक हमारा आयोडाइज्ड होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर आयोडीन होना चाहिए. आप लोगों ने बहुत से सॉल्ट के ऐड भी देखे होंगे जिसमें दिखाते हैं कि ये नमक जो है आयोडीन से युक्त है, मतलब कि उसके अंदर आयोडीन है. एंड सी फूड, जो सी फूड होता है, सी फूड यानी जो समुद्र से मिलने वाला फूड है, यानी इसमें बहुत सी फिश वगैरह आ जाती है, तो उनके अंदर भी आयोडीन की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है. तो ये चीज़ें खाने से जो गोइटर है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं. आगे देखिए, नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है एनीमिया. एनीमिया एक भी एक ऐसी डिजीज़ है जो कि मिनरल की कमी के कारण होती है. आयरन एक मिनरल होता है. आयरन की कमी के कारण ये डिजीज़ होती है. यदि हमारी बॉडी के अंदर आयरन कम हो जाए, ठीक है, इट इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स. देखिए, ये एक रेड ब्लड सेल्स की कमी के कारण होती है डिजीज. और रेड ब्लड सेल्स जो है वो आयरन युक्त जब हम खाना खाते हैं उससे ही हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बनती है. द सिम्टम्स ऑफ अनिमिया आर हेडेक, डार्क पैचेस अंडर आईज, वीकनेस एटसेट्रा. जो सिम्टम्स हैं इसके वो है, आपके सर में दर्द रहने लगेगा, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, और जो है वीकनेस, शरीर जो है वो बहुत ही सुस्त हो जाता है, वीक हो जाता है. हीमोग्लोबिन इन द ब्लड बिकम्स लो. जो ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का तत्व पाया जाता है वो कम हो जाता है. We should take iron rich food to prevent anemia. एनीमिया को रोकने के लिए हमें आयरन रिच, जिसमें आयरन बहुत मात्रा में हो, हमें ऐसा खाना खाना चाहिए.
अब आयरन युक्त खाना फूड किससे हमें मिलता है, हमें क्या क्या खाना चाहिए? तो स्पिनेच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। स्पिनेच सभी को पता है, पालक। पालक बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए, इसीलिए हमें पालक ज़रूर खाना चाहिए। और जितने भी हरी सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल, बनाना एंड जगारी यानी कि गुड़, सभी को पता होगा, आर रिच इन आयरन। इन सभी के अंदर आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनमें आयरन अधिक मात्रा में हो, ताकि हमें अनीमिया की बीमारी ना हो, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी ना हो।